दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान शानदार नेशनल पार्क है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियाँ और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के मुख्य शहर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दाचीगम का शताब्दी अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांव की याद में रखा गया जिन्होंने जल ग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया था। तो यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कश्मीर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में घूमने के लिए एक सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अनंतहीन मैदानी और मनोरंजन का दृश्य के साथ पटनी टॉप प्राकृतिक का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है, जो कश्मीर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और हर साल हजारों पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर स्कीइंग और ट्रेकिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। इसके अलावा 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरासर पैरालाइडिंग बेस, गोल्फ कोर्स के साथ साथ दर्शनीय स्थानों के विकल्प के लिए भी लोकप्रिय है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर में घूमने के लिए सबसे आकर्षण जगहों में से एक बना हुआ है। त्रिकोटा पहाड़ियों में कटरा से 15 किमी की दूरी पर समुद्री तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जहां आध्यात्मिकता और वातावरण में जीवंतता है। माता वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों तीर्थ यात्री माँ वैष्णो का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थ यात्री लगभग 30 किमी तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्त पीठों में से एक है। वैष्णो देवी, जिस माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के एक अभिव्यक्ति तीर्थ यात्री सड़कों के किनारे माँ वैष्णो की प्रशंसा के नारे और गीत गाते हुए अपना समर्पण और उत्साह दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान स्थान है, जहाँ तीर्थ यात्री और ये आप लोगों के लिए घूमने के लिए एक सबसे अच्छी जगह भी हो सकती है। आप लोगों को इसमें से सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।